गति के नियम, तीन चैप्टर, पांच चैप्टर के नाम कणों के निकाय एवं घूर्णीय गति, टोटल क्वेश्चन 64। स्थिति अवस्था में परिवर्तन ला देती है, क्या कहलाती है? बल कितने प्रकार के होते हैं? संपर्क बल एवं दूरी पर क्रिया बल। वह भौतिक स्पर्श, वह जो भौतिक स्पर्श द्वारा आरोपित होता है क्या कहलाता है? संपर्क बल। जो बिना भौतिक स्पर्श द्वारा आरोपित होता है? दूरी पर क्रिया बल। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, इस कथन को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जड़त कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, विराम जड़त, गति जड़त, दिशा जड़त। जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है? विराम जड़त। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान से गति कर रहा है तो यह किस प्रकार का जड़त्व है? गति जड़त्व। जब कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में गतिशील है तो वो अपनी दिशा को स्वयं नहीं बदलता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य ना करे। यह बल किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं? उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग कैसी राशि है? इसका सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र बताएं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक और विमीय सूत्र MT/-1। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन की दिशा आरोपित बल के दिशा में होती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के किस नियम, किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरे गति नियम से। यदि कोई बल एकाक द्रव्यमान की वस्तु पर इकाई त्वरण उत्पन्न कर दे तो वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष इकाई मात्रक। सीजे प्रतिम बल का निरपेक्ष मात्रक। एसआई पत्ती में बल का निरपेक्ष मात्रक। न्यूटन। वो बल जो 1 ग्राम की वस्तु पर 1 cm² का त्वरण उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है? वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है? वह बल जो इकाई द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है? इकाई गुरुत्व बल। सीजिस पत्ती में बल का गुरुत्वीय मात्रक। एक ग्राम वाट इक्वल टू 1 ग्राम 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वह बल जो 1 ग्राम की वस्तु पर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है? ग्राम भार। ऐसे ही पत्ती में बल का गुरुत्वीय मात्रक। ऐसे ही पत्ती में बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम वाट इक्वल टू 1 किलोग्राम × 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वह बल जो 1 kg की वस्तु पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किलोग्राम भार कहलाता है? 1 ग्राम वाट इक्वल टू 980 डाई 1 किलोग्राम वाट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। प्रत्येक वस्तु के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया को होती है। न्यूटन की तीसरे गति नियम का आधार। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल जितने समय तक कार्य करता है के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग का ऐसे ही मात्रक। न्यूटन मीटर। आवेग का सीजीएस मात्रक न्यूटन सेकंड और आवेग का सीजीएस मात्रक डाइन सेकंड। आवेग कैसी राशि है एवं इसका विमीय सूत्र? आवेग का विमीय सूत्र MT/-1। न्यूटन के गति के किस नियम से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। वह बल जो दो वस्तुओं के बीच संपर्क सतहों के स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है तथा दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो घर्षण कहलाता है। किसी वस्तु के विराम अवस्था में उस पर आरोपित होने वाले बाह्य बलों को प्रतिसंतुलित करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व इकाई मात्रक। स्थैतिक घर्षण। स्थिति घर्षण के सीमा परिमाण को घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच के संपर्क सतह के किस दिशा में कार्य करता है? स्पर्श दिशा में कार्य करता है। सीमांत घर्षण बल का मान किसके समानुपाती होता है? जब दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति हो रही है तब दोनों वस्तुओं के बीच आरोपित घर्षण क्या कहलाता है? गतिक घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो संपर्क सतह घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो गोली घर्षण या लौटने घर्षण। दो संपर्क सतहों के बीच सीमांतर घर्षण बल के किसके समानुपाती होता है? प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल के परिमामी बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच लगने वाले कोण को क्या कहते हैं? घर्षण कोण। अभिकेंद्रीय बल FC = FC = 4π² mu²।
किसी पिंड में स्थित वह बिंदु जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। बलाघूर्ण बलाघूर्ण का परिणाम क्या होता है? बलाघूर्ण का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक क्या होता है? बलाघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर और बलाघूर्ण का सीजीएस मात्रक टाइम सेंटीमीटर। बलाघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कोणीय संवेग का परिमाण? एल बराबर पी इनटू आर। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग का सीजीएस मात्रक? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। यदि कोई द्रव्य पिंड किसी स्थिर वेग से गतिमान है तो द्रव्य पिंड क्या कहलाता है? देखिए साम्यावस्था। यदि कोई द्रव्य पिंड नियत कोणीय वेग से घूम रहा है तो साम्यावस्था। किसी पिंड में स्थित वह बिंदु जहाँ उसका संपूर्ण भार आरोपित हो क्या कहलाता है? कोणीय वेग की दिशा किसके अनुदिश होता है? गुणन अक्ष के अनुदिश होती है। तात्क्षणिक कोणीय वेग का सही मात्रक? रेडियन प्रति सेकंड। औसत कोणीय वेग के सीमा परिमाण को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कहते हैं। जड़त्वागुण का सही मात्रक? जड़त्वागुण न्यूटन मीटर ऐसे मत किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्वागुण का सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। जड़त्वागुण का बीमेस एमएन स्क्वायर।